नमस्कार आदाब भाई, रूप रूप आते हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें कि 1988 बैच के सीनियर आईपीएस विजय कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बना दिया गया है। हम आपको बता दें कि आज निवर्तमान डीजीपी कार्यवाहक आर के विश्वकर्मा सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने आज विधिवत कार्यभार सौंप दिया है विजय कुमार को। विजय कुमार की बात करें तो बेहद लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी के रूप में इनकी छवि रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी एसएसपी के पद पर रहे हैं और पूर्व से पश्चिम तक अपनी अमिट छाप छोड़ी है पुलिस प्रशासनिक सेवा में। इससे इस दौरान विजय कुमार डीजी विजिलेंस तथा डीजी सीबीसीआईडी हैं और अब उन्हें अतिरिक्त डीजीपी का कार्यभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनको उनकी नियुक्ति हुई है और आज आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। साथ साथ जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में विजय कुमार ने, तो उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है, आभार जताया है। सबसे पहले तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा कि विश्व में सर्वोत्तम पुलिस बल का मुखिया बनाने पर बेहद आभार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, अपराध माफियाओं तथा संगठित अपराधों के खिलाफ जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, उसको बरकरार रखा जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया विजय कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ साथ ये भी कहा है, दावा किया है कि विगत 6 वर्ष में कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा शांति सौहार्द की नीति पर कार्य होगा, पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, विजुअलिटी बढ़ाई जाएगी, चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की सक्रियता। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन की मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और शिकंजा कसा भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बहुत कुछ किया है और आज भी आगे भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नियंत्रण पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि वर्ष मई 2022 से कोई भी उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी नहीं मिले हैं, सभी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 1988 बैच के सीनियर आईपीएस विजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि वह इस समय डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी हैं। इसके साथ साथ उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि विश्व की सर्वोत्तम पुलिस बल है, उसका मुखिया बनाकर आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है विजय कुमार को। विजय कुमार साफ स्वच्छ छवि से अति लोकप्रिय रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक उनके नियुक्ति पर जश्न मनाया जा रहा है। उनके शुभचिंतकों ने उनको शुभकामनाएं संदेश दी हैं। बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने कई बार उनसे मुलाकात की है लखनऊ में। कई बार उनसे जब भी मुलाकात होती थी तो अच्छा सुखद एहसास भी मिला है और वार्ता होती थी पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो उन्होंने भी शुभकामनाएं संदेश प्रेषित किए हैं। जगह जगह से शुभकामनाएं मिल रही हैं क्योंकि अति लोकप्रिय हैं विजय कुमार। उनसे आशा जताई जा रही है कि अब थानों के अंदर एफआईआर दर्ज होंगी, पीड़ितों की फरियाद सुनी जाएंगी, निर्दोषों की पीड़ा को सुना जाएगा और उनके लिए पुलिस सम्मानपूर्वक कार्य करेगी। लगातार ऐसे आशाएं जताई जा रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुलिस मुखिया बनाया गया है विजय कुमार को और विजय कुमार की नियुक्ति पर सभी जगह हर्ष महसूस किया जा रहा है। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।